बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माहस किचन। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिकन तंदूरी। इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तंदूरी चिकन बनाने के लिए इधर मैंने लिए हैं 4 लेग पीस लिए हैं स्किन के साथ, इनको कट्स लगा लिए हैं और इनके ऊपर मैंने ये वाली मैरिनेशन डाली है। उसमें मैरिनेशन में मैंने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, दादर मिर्च ली है रेड वाली 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून साल्ट ली है, 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका लिया है। इनको पूरी रात आप मैरिनेट करके तो रख दें, और फिर अगर आप पूरी रात नहीं भी रख सकते तो कम से कम 5-6 घंटे इनको ज़रूर मैरिनेट करें। तो उसके बाद हम जो इनका तंदूरी का मसाला है वो रेडी करते हैं। तंदूरी मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले रेड चिली है 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया है 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च है पिसी हुई 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और चाट मसाला मैंने लिया है 1 टीस्पून, फूड कलर लिया है बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच है, और लेमन लिया है। तो इधर मैंने लिया है 7 लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल है, और तकरीबन ये 8 टेबलस्पून योगर्ट के बनते हैं। ये मैं अब बनाऊंगी इसका मसाला। सबसे पहले एक बाउल में हम लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, ये सारे मसाले जो अभी मैंने आपको मेंशन करवाए हैं इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। हम इसमें शामिल करेंगे योगर्ट, योगर्ट जो है वो आप थिक वाला लें, पतला वाला योगर्ट बेटर नहीं है इसके लिए, कोशिश करें कि जो थिक योगर्ट होता है वो लें। अब हम इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे, ये जो 1/2 लेमन मैंने लिया था उसको मैं स्क्वीज करूंगी। तो अच्छे से आप मिक्स कर लें। अब हम अपने चिकन को अच्छे से डिप करेंगे। मसाला सारा अच्छे से लग गया है, अब इसको हम तकरीबन 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और उसके बाद हम इसको ओवन में डालेंगे। चिकन को मैरिनेट किए तकरीबन हमें 6 आवर्स गुजर चुके हैं, अब हम इसको ओवन में रखेंगे। मैंने ओवन की ट्रे के ऊपर ग्रिल रखी है, अब इसके ऊपर मैं इसको अच्छे से फिक्स कर दूंगी। आप फुल चिकन के साथ भी ऐसे कर सकते हैं, चिकन के 8 पीस करवा लें या 4 पीस करवा के, तो आप उसको ऐसे ही मैरिनेट करें और फिर आप उसको ग्रिल कर लें। ये जो बच गया हमारा मसाला ये हम ऊपर मिक्स कर दें अच्छे से। अब
प्री हीट ओवन करके तो 200 के ऊपर हम इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए ओवन में रखेंगे। ले तो जी हमारा जो तंदूरी चिकन है वो रेडी है। ये 40 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाला है। अब इसके ऊपर हल्का हल्का से आप ऑयल लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, तो फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये मैंने सर्व कर दिया है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। उम्मीद है आप बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों का जो चिकन है वो कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।